Ready! Beautiful. ये देखिए, ये देखिए. Oh, oh. Oh wow. Bang! Ready! Hey guys, this is Chef Vicky Ratnani. Welcome to Goldie Spices Presents Challenge the Chef. आप सोच रहे हो कि शेफ खाना पका रहे हैं या फोटो निकाल रहे हैं? भाई साहब, ये मैं फोटोज निकाल रहा हूं क्योंकि दिस recipe is completely mind-blowing and it's going to be a masterpiece recipe. तो record तो हमें करना ही है. Last week आप लोगों ने कहा था कि challenge के लिए there was pasta and there was noodles. And guess who won? Noodles. तो आपके लिए आज मैं noodles बनाने जा रहा हूँ. Noodles तो आप समझेंगे Chinese. अरे Chinese गए तेल बेचने. मैं actually एक beautiful हिंदुस्तानी स्टाइल नूडल्स आपके लिए बनाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी प्रेप एंड लेट्स स्टार्ट कुकिंग. तो कुकिंग के पहले प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए जो प्रेप है ना, बिल्कुल मेडिटेशन है. इट्स कंप्लीट योगा फॉर मी. सो टुडे आई एम गोइंग टू बी यूजिंग फ्रेश मार्केट वेजिटेबल्स व्हाट आई वाज अवेलेबल. तो ये जगर में मशरूम काट रहा हूँ, कैरेट्स काट रहा हूँ, पेपर्स काट रहा हूँ. यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ वेज जो आपके मार्केट में फ्रेश है और आपको पसंद आती है. नो प्रेशर. तो मैंने अभी दो या तीन मशरूम स्लाइस करने वाला हूँ मैं. उसके बाद एक प्यारी सी स्प्रिंग अनियन, हमारे हरे प्याज. आजकल बहुत कुछ बहुत मिल रहा है तो मेक यूज ऑफ इट. तो उसको भी मैंने बारीक काट लिया है मेरे नूडल डिश के लिए. और ये जो स्प्रिंग अनियन या हरे प्याज की जो ग्रीन्स है ना, वो भी मैं आई लव टू यूज देम. ओके, सो मेरे किचन में एक्चुअली बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती है और खाना भी टॉप क्लास रहता है. और ये जो फूड के जो चैलेंजेस है ना भैया, आप मुझे बेचते ही जाओ, बिकॉज आई लव चैलेंजेस इन लाइफ. और जब ये फूड का चैलेंज होता है, अनबिलीवेबल. आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज यू लाइक. तो एक थोड़ी सी मैं येलो पेपर ले लूंगा, और ये थोड़ी सी रेड बेल पेपर. ब्रोकली भी काफी अच्छी लग रही है आज, तो थोड़ी सी ब्रोकली. अगर आपको ब्रोकली नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, वो भी तो मिल जाएगी ना. सो वी हैव ऑल माई ब्यूटिफुल वेज बींग प्रेप्ड हियर. अब मेरे पास है बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन, मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, सोया सॉस. लेकिन देखते हैं. तो ब्रोकली को भी मैं बिल्कुल पतला स्लाइस कर देता हूँ. और अगर आप नोटिस करोगे कि सभी जो वेजिटेबल्स हैं बिल्कुल कच्चे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये नूडल्स के लिए हम स्टर फ्राई वेजिटेबल्स करते हैं, और वो जो वेजिटेबल्स हैं उसको हम ज़्यादा नहीं पकाते, रिमेंबर दैट. और What is the point of eating good fresh vegetables अगर आप उनको overcook कर दो? हाँ, गलत बात है ना. तो prep ready हो गई noodles के लिए. Now I am ready for the challenge. Let's go. लेकिन उसके पहले एक walk लेते हैं मेरे pantry में and let's pick up something really good for my noodles. Goldie Spices offers a wide variety of masalas to choose from. The color, the taste and the texture it adds to your dish enhances the flavor and makes your dish stand completely apart. So guess what I'm cooking to choose today? Yes! So hum mere noodles ke liye pakayenge biryani pulao masala ke saath. What do you think? Chok gaye na aap? You must be kind of
कंफ्यूज के क्यों, लेकिन दिस बिरयानी मसाला इज गोना बी फैबुलस फॉर माय नूडल्स, सो व्हाई डोंट यू डू अ बिरयानी स्टाइल नूडल्स यूजिंग दीज अमेजिंग गोल्डी स्पाइसेस। लेट्स स्टार्ट कुकिंग। ओके चलो, तो मेरे बिरयानी तड़का स्टाइल, इंडियन तड़का स्टाइल नूडल्स के लिए पहला लगेंगे अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, सो फील फ्री टू यूज एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो देसी नूडल्स विथ अ बिरयानी तड़का, तो पहले तो चिलीज, ग्रीन चिलीज, अ कपल ऑफ दीज ड्राइड रेड चिलीज, अदरक और लहसुन, ब्यूटिफुल, और इसको हम थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। तो चलो हमारा तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो गया, तो अब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद जाएंगे हमारे सारे वेजिटेबल्स। वाओ, लुक एट ऑल दीज ब्यूटिफुल कलर्स इन दिस पैन। और ये जो डिश है उसकी रेसिपी जो गोल्डी स्पाइसेस से खिल जाएगी, अलग ही स्टोरी है ये। तो इसको हम हल्का सा टॉस कर लेते हैं, ब्यूटिफुल। अभी नेक्स्ट जाएंगे हमारा गोल्डी स्पाइसेस का बिरयानी पुलाव मसाला, तो अबाउट आराम से 1 टेबलस्पून डाल देते हैं, ब्यूटिफुल। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सोया सॉस, वाह, और फिर हम इसे वापस मिक्स कर देते हैं बिल्कुल इसी तरह, प्यार के साथ, प्यार के साथ। फैंटास्टिक। तो अब ये रेसिपी के लिए मैं एक्चुअली, ये जो चावल के नूडल्स हैं कोई भी किनारे के दुकान में मिल जाते हैं, जहां आपको जो गोल्डी स्पाइसेस मिल जाएंगे वो आपको यहाँ नूडल्स भी मिल जाएंगे, तो साथ में आप स्पाइसेस भी उठा सकते हो और नूडल्स भी ले सकते हो। तो हमने ये नूडल्स को ऊपर 10 से 15 मिनट हल्की थोड़े गर्म पानी से सोक कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार है कुकिंग के लिए। उसके बाद अभी हम इसे करेंगे हल्का सा टॉस, वाओ ब्यूटिफुल। ये देखिए ओहो। नेक्स्ट नींबू का रस, थोड़ी सी तो खटास होनी चाहिए नूडल्स में, और गोल्डी स्पाइसेस, सोया सॉस और नींबू का जो मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, इट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक। तो हमारे नूडल्स तैयार। तो अभी थोड़ा सा धनिया तो बनता ही है हमारे बिरयानी तड़के वाली नूडल्स का, लवली फ्रेश कोरिएंडर, बेटर, बस बिल्कुल चटपटा, फैंटास्टिक, रेडी। तो अभी हम उसको मिक्स कर देते हैं, हल्का सा उसे स्टर कर लेते हैं, और लेट्स टाइम टू प्लेट अप। Beautiful, लवली। तो ये है मेरी लवली बिरयानी तड़के वाली नूडल्स। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से हमारे हरे प्याज, बिरयानी नूडल्स रेडी। If you really like this recipe, do like it, tag Goldie Masala and let me know all your feedbacks. I'm really happy to listen to that. And do remember to follow us at My Good Times on Facebook and do subscribe to our YouTube channel. See you soon again, same time, same place, because I am waiting and I love to take challenges. And if you're looking for recipes and food which are out of the box and extraordinary, this is your place. I'll see you next week.